तो ये एनिमल किंगडम का सेकंड पार्ट है इससे पिछले पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पहला क्वेश्चन है प्लेनारिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ प्लेरारिया में किसकी हाई कैपेसिटी पाई जाती है मेटामोर्फोसिस रीजनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर बायोलमनिस तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी रीजनरेशन प्लेनारिया में रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी पाई जाती है यानी कि यदि इसका कोई ऑर्गन या पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये उसे रीजनरेट कर लेता है इसके बाद अब मेराइन कार्टिलेजिनस फेस डेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इस। एक समुद्री कार्टिलेजिनस फेस जो कि करंट प्रोड्यूस करती है प्रेस्टिस टोरपिडो ट्राइगन या फिर स्कोलिडोन। तो पे इसका सही आंसर होगा बी टोरपिडो टोरपिडो एक मेराइन कार्टिलेजिनस फिस है जो कि करंट प्रोड्यूस करती है इसके बाद विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम इनमें से कौन से ग्रुप के एनिमल्स सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं तो यहां इसका सही आंसर होगा ए प्रान स्कॉर्पियन एंड लोकास्ट ये तीनों आर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं इसके अलावा स्पंज पोरिफेरा से सी एनिमोन सिलेंट्रेटा से स्टारफिश इका से मलेरियल पैरासाइट एंड अमीवा ये दोनों प्रोटोजोआ से मॉस्किटो आर्थोपोडा से अर्थवाम एनिलिडा से पिन वाम एसके हेलमेंथी से एनटेप वाम प्लेटी हेलमेंथी से बिलोंग करता है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थोपोडा एस पफर फेस फ्लाइंग फेस कटल फेस या फिर सिल्वर फिस तो देखिए यहां पे सिल्वर फिस जिसे कि लेपिसमा भी, भी कहते हैं लेपिसमा भी कहते हैं आर्थोपोडा से बिलोंग करती है जबकि पफर फेस और फ्लाइंग फेस ये दोनों ही पीसी से बिलोंग करती हैं एंड कटल फेस मुलस्का से बिलोंग करती है और इसे सीपिया भी कहते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स इनमें से कौन सा ग्रुप के एनिमल्स हैं जो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं निडेरिया पोरिफ्रा प्रोटोजोआ या फिर टीनोफोरा तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी टीनोफोरा क्योंकि ये मोनोसियस होता है मोनोसियस होते हैं इसके अलावा निडेरिया निडेरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है बडिंग के द्वारा होता है क्योंकि इनमें पोलिप फॉर्मेशन होता है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैडूसा के द्वारा होता है जबकि पोरीफेरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैम्यूल्स के द्वारा होता है जेम्यूल्स के द्वारा होता है एंड प्रोटोजोआ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फीजन के द्वारा होता है जबकि सेक्सुअल सिनगेमी एंड कंजुगेशन के द्वारा होता है तो ये सब भी आपको याद रखना है इसके बाद है फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव ड्राइव नरिशमेंट फॉर्म फेरेटिमा यानी कि अर्थवाम और उसके संबंधी अपना नरिशमेंट कहाँ से प्राप्त करते हैं शुगर केन रूट्स डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉयल ऑर्गेनिक मैटर सॉयल इंसेक्ट या फिर स्मॉल पीस ऑफ फ्रेश फॉलन इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट तो मैं देखना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिना एक्सेप्शन के सही है पहला है ऑल रेप्ट स्केल्स है थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड तो देखिए सभी रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता है इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसमें कि फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है इसके बाद है ऑल बोनीफिस हैव फोर पेयर ऑफ गिल एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड तो उसका बी ऑप्शन सही है इसके बाद है ऑल स्पंजेज आर मेराइन एंड हैव कोलर्ड सेल्स तो यह भी गलत है क्योंकि इसका एक्सेप्शन है स्पंजिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पंज है एंड लास्ट है ऑल मैमल्स आर वीवी पैरस एंड पोजस डाई फ्राम फॉर ब्रीथिंग यह भी गलत है क्योंकि सभी मैमल्स वीवी पैरस नहीं होता है इसके एक्सेप्शन है प्लेटिपस प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंड ईटर जो कि ओवी पैरस होते हैं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट करेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन तो ये भी क्वेश्चन वही है तो यहाँ भी हमसे बिना एक्सेप्शन के कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा गया है तो पहला ऑप्शन है रेप्टाइला पॉजेस थ्री चैम्बर हर्ट तो ये गलत है क्योंकि रेप्टाइला में कोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर हर्ट पा जाता है कॉर्डिटा पॉजिस अ माउथ विद एन अपर एंड अ लोअर जॉ ये भी गलत है क्योंकि सभी कॉर्डिट में जॉ नहीं पा जाता है सी है कॉन्डिकस पॉजिस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेडन तो ये सही है एंड लास्ट है ममेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस ये भी गलत है क्योंकि सभी मैमल्स बच्चे नहीं देते हैं अगला क्वेश्चन वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड डेट सब्स बोथ एज माउथ एज वेल एज एन एस एस यानी कि ऐसा एनिमल जिसमें उसके आउटसाइड में सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क करती है ऑक्टोपस एस्ट्रेस एस्किडिया या फिर फेसीओला तो आप इसका सही आंसर होगा डी फेसीओला जो कि एक फ्लैट वाम है फ्लैट वाम है एंड सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है उसमें सिंगल ओपनिंग जो कि माउथ और एनस दोनों की तरफ वर्क करती है पाई जाती है वेच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लो प्लास्टिक इनमें से कौन सा एनिमल ट्रिप्लो प्लास्टिक है फ्लैटवाम्स स्पंजेस टीनोफोर्स या कोरस तो पहले हम इसे समझ लेते हैं तो देखिए जम्स लेयर्स दो टाइप की होती है डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक डिप्लोप्लास्टिक में एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म होती है एंड एक इंटरनल एंड्रोडर्म होती है उसके बीच में एक मीजोग्लिया पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल है स्पंजेस यानी कि पोरिफ्रा सिलेंड्रेट्स एंड टीनोफोरा टीनोफोरा इन तीनों में डिप्लोप्लास्टिक जम लेयर पाई जाती है इसके अलावा ट्रिप्लो तो इसमें एक्टोडर्म मीजोड्रम एंड एंडोडर्म तीनों लेयर पाई जाती है एंड इसका एग्जाम्पल्स हैं प्लेटी हेलमेंथीज एस्के हेलमेंथीज एनेलेट्स आर्थोपोर्ट्स मोलक्स इकैनोड्राम्स एंड कोरेट इन सभी में ट्रिप्लो लेयर पाई जाती है तो ये आपको ध्यान रखना है तो यहाँ हमारा आंसर सही होगा ए फ्लैटफॉर्म्स फ्लैटफॉर्म्स में ट्रिप्लो जम लेयर पाई जाती है इसके अलावा स्पंजस में टीनोफोर्स में एंड कुरल्स में डिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है पहला है राउंड वॉर्म्स या एसके सीडोसिलोमेट तो ये सही है क्योंकि राउंड वॉर्म्स या एसके हेलमेंथीस सीडोसिलोमेट होता है मोलक्स आर ए सिलोमेट तो देखिए पहले में से समझ लेते हैं तो देखिये सिलोम द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मिसोडर्म ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड सिलोम तो सिलोम को तीन पार्ट में बांटा गया है ए सिलोमेट सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट तो ए सिलोमेट यानी कि अब्सेंस ऑफ सिलोमेट एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी नहीं पा जाती है उन्हें ए सिलोमेट कहता है और इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा सिलट्रेट्स एंड प्लेटी हेलमेंटिस इन तीनों में सिलोम नहीं पाई जाती है इसलिए इन्हें ए सिलोमेट्स कहते हैं इसके बाद है सीडोसिलोमेट इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीसोडरम इसके अलावा इसमें मीसोड्रम स्क्रेटेड पाउचेस के रूप में पाई जाती है इसलिए इन्हें सीडो सिलोमेट कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है एस के हेलमेंथीस केवल एस के हेलमेंथीज में सीडो सिलोमेट देखने को मिलती है एंड लास्ट है सिलोमेट्स यानी कि ट्रू सिलोम ऐसे एनिमल जिनमें ट्रू सिलोम या फिर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है और बाकी सभी एनिमल्स सिलोमेट्स होते हैं जैसे कि एनेलेट्स मोलस्क आर्थोपोट्स इकैनोड्रम्स हेमिकोडिट एंड कॉडिस तो ये आपको याद रखना है तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि राउंड वर्म्स या एस्केलमेंथीज सीडो सिलोमेट होता है जबकि मोलस्का आर सिलोमेट इंसेक्ट आर सिलोमेट एंड फ्लैट वर्म्स आर ए सिलोमेट अगला क्वेश्चन है क्रोकोडाइल पेंगविन आर सिमिलर टू वेल एंड डॉगफिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर यानी कि क्रोकोडाइल और पैंगविन डॉगफिश और वेल के सिमिलर होते हैं कुछ फीचर में तो वो कौन सा फीचर है पॉजेस आर सोलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ले एग्स एंड गार्ड डैम टिल दे हैच, पॉजेस बोन स्केलेटन या फिर हैव गिल्स लेट एट सम स्टेज. तो देखिए ये चारों ही कोर कोर डेट्स हैं एंड कोर डेट्स में फोर करैक्टर्स पाए जाते हैं जो कि सभी में कॉमन होते हैं तो वो कौन कौन से हैं आपको याद रखना है प्लीज डू नॉट गिल्टी प्लीज से है पोस्ट एनल टेल, डू से डोर्सल होलो नर्व कोड नोट से नोटोकोड एंड गिल्टी से गिल्सलेट तो ये सभी करेक्टर सभी कोडेट्स में पा जाते हैं तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी हैव गिल्सलेट एट स्टेज। अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इस बाइलेट्रली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लो इनमें से कौन से एनिमल बायोलेट्रीली सीमेट्रिकल और ट्रिप्लो होते हैं तो इसका आंसर आप जानते हैं इसका सही आंसर है ए एस के हेलमेंथीज राउंड इसके बाद इफ अ लाइव अर्थ वार्मिक विद अ निडल ऑन इट्स आउटर सरफेस विदाउट डैमेजिंग इट्स कट द फ्लूड डेट कम्स आउट इट यदि किसी अर्थ वाम को किसी निडल से प्रिक किया जाए बिना उसकी गट को डैमेज किए तो उनमें उस उसमें से कौन सा फ्लूड बाहर आएगा सिलोमिक फ्लूड हिमोलिम्फ स्लीमीी म्यूकस या फिर एक्सक्रिटरी फ ए सिलोमिक फ्लूट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टलन एनसेस्ट्री इनमें से कौन सा करक्टर दर्शाता है कि बर्ड्स का जन्म रेप्टलन से ही हुआ है टू स्पेशल चैम्बर्स क्रॉप एंड गिजार्ट इन देयर डाइजेस्टिट एग विद कैलकेरियस सेल स्केल्स ऑन देअर हैंडलिम्स या फिर फोर चैम्बर्ड हार्ट तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है